हर्ष, हाथ नहीं पहुंच रहे, अब्दुल को बुलाना ही पड़ेगा। तेरी बात सही है जेठा, अब्दुल की ऊंचाई तेरे से ज्यादा है ना, उसके हाथ पहुंच जाएगा। बुला अब्दुल को, बुला तो सोठी चलेगा। मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबू जी, क्या है, एक काम कर, एक काम कर, गोगी को बुला, गोगी को, गोगी को बुला, गोगी को, चोरी को बुलाना है, अब्दुल को बुलाना है, खुद को कोई काम करना ही नहीं है। उतर उतर नीचे, उतर नीचे, उतर, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे उतर। नहीं नहीं बाबा जी, मैं करता हूँ। दे तू एक काम कर, तू यह स्टूल के ऊपर घोड़ा बन जा, तेरे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा। क्या बोल रहे हैं गधे? ए तू क्या बुलवा रही है दया मुझसे? मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा वाला स्टूल लेके आ तो मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा ट्यूबलाइट तक। खा खा के वजन बढ़ाया लेकिन कसरत करके ऊंचाई नहीं बढ़ाई। अरे बचपन में तुझे बोल बोल के थक गया कि ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, लेकिन नहीं, बस पूरा दिन खा खा खा। लेकिन मैं तुझे क्यों बोल रहा हूँ, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ही खाना ऊंचाई पे रखना चाहिए था, कम से कम खाना लेने के चक्कर में तेरी ऊंचाई तो बढ़ जाती। दया, दया, क्या है? अरे क्या है, क्या है, क्या है, ये देख, ये देख, तेरे बेटे ने स्कूल में हड़ताल करवा दी है। फोन में कैसे देखूं? तो मत देख, कम से कम शर्म तो कर, ये शर्माने वाली बात है। जैसा आप कहें, देखिए शर्मा रही हूँ। दया नॉनसेंस, तुम्हारे भेजे में कुछ बात उतर रही है, तुम्हारे बेटे ने स्कूल में हड़ताल करवा दी है, उसकी वजह से सारे बच्चे हड़ताल पर चले गए। पर क्यों? मुझे क्या पता? तो किसको पता है? ये प्रिंसिपल तो पूछो। हेलो हेलो प्रिंसिपल साहब। हाँ बोलो। माफ करना, वो टप्पू की मम्मी के साथ बात करने में मैं भूल ही गया, आपका फोन चालू है। हाँ पर मैं भूलने नहीं दूंगा, आप इसी वक्त स्कूल में आ जाइए और आपकी पत्नी को साथ मत लाना। हाँ लाल शर्ट मैंने शादी का दूसरा ही दिन दान में दे दिया। हाँ? और क्यों दान में दे दिया? उसमें आप कितने हैंडपंप लगते थे? हैंडपंप? पापा मम्मी हैंडसम कहना चाहती है। दया तुझे अंग्रेजी नहीं आती तो तू क्यों बोलती है? मैं तो बराबर ही बोलती हूँ, आप समझते नहीं, उसमें मैं क्या करूँ? अरे टप्पू के पापा, आपका जमाम खत्म हो गया है तो आज ही मंगवा लेना। जमाम? हाँ, ये नहाने का साबुन है। टप्पू के पापा को बचपन से नहाने के लिए जमाम साबुन चाहिए ही चाहिए। जब तक चमम से नहाते नहीं ना, उनको लगता नहीं कि उन्होंने नहाया है। चमम साबुन? अरे बहुत अच्छा साबुन है, ये साबुन नहाने और कपड़े धोने दोनों में काम आता है। जय जिनेंद्रा। जय जिनेंद्रा। आज तो टप्पू के पापा मस्त खाना खाकर खुश हो जाएंगे। ओ मेरी, ओ मेरी दया रानी। आओ ना शर्माओ ना, आओ ना घबराओ ना। ओ मेरी, ओ मेरी दया रानी। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे अप्पू राजा। अप्पू राजा? अप्पू राजा। अप्पू राजा का क्या मतलब? मैंने आपका नया नाम रखा है। वो क्या है, हमारे पोल में एक छोटा सा हाथी आया था ना, तो बस बस दया, बस समझ गया। देख मेरा मस्त मूड है, मेरा मस्त मूड की पथारी मत फिरा। बहुत जोर की भूख लगी है और जब से तूने मेनू बताया है तब से तो सेकंड दर सेकंड भूख बढ़ती जा रही है। हाँ तो खाना तैयार ही है, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए और जल्दी से आ जाइए। जी मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात कही है,
बताइए क्या कहिए। जो समझ में समझ नहीं वही समझ में समझदारी है, और जो समझे नहीं वही समझ समझ क्या, लेकिन जो समझे वही समझ में समझ है। कुछ समझे नहीं आप? मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझा। तो मैं क्या खाक समझूंगा? मैं जाऊं किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह करके डरा मत।